ये है गोपाल फाड़। ओम जवाकु शुभ संका काश्यपे महातुटिंग धनतारिंग सर्व पापगण प्रसन्न शमी दिवाकरम ओम श्री सूर्याय नमः। ओम श्री सूर्याय नमः। ओम श्री सूर्याय नमः। दुर्गा दुर्गति नाशिनी रक्षा करो माँ। ओ माँ कढ़ाई में क्या डाला है, उसमें से इतना झार क्यों निकल रहा है? मेरी आंखें जल रही हैं, खांसी आ रही है। अपना सर दिया है बेटा। पापा तो कहते हैं झार तो आपके मुंह में है और आंख आपके सर में है माँ। क्या? अरे सुनती हो, खाना दो। अरे बाप रे, आज आने दो उसको, मेरे बच्चे तो को मेरे बारे में बोला है। मरो मरो नालायक। अरे बाप रे, पापा 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 माहौल ठीक नहीं है, भागो, माँ पागल हो गई है। अरे बाप रे, माँ जल्दी देख लिया, आपने पापा को मार दिया, देखिए। अरे तुमने मेरा ये क्या सर्वनाश कर दिया, मेरा सर फोड़ कर दिमाग बाहर निकाल दिया। बाप रे, अरे बाप रे, अरे देवा रे देवा, ये क्या, ये कैसा सर्वनाश हो गया? अरे बाबा, अरे दिखाओ, जीभ दिखाओ बेटा। नहीं नहीं, अब घबराने की कोई बात नहीं है गोपाल, तुम पूरी तरह से ठीक हो, पर बहुत खून बह गया है इसलिए आज के दिन आराम करना ही ठीक रहेगा, सही है? वैद्यराज अभी इनको खाने में क्या दूं? देखो बहुत खून बह गया है ना, इसलिए अब करीब एक हफ्ते तक रोज सुबह 10-15 तालीम खाना, पत्ते का रस पिलाना और मधु के साथ मिलाकर कुछ दिन तक मछली और चावल भी देना, ठीक है? ये सारी बातों का ध्यान रखना। अच्छा अब मैं चलता हूँ। ए जी, आज माँ दुर्गा की कृपा से मैं आपको वापस पा गई, मेरे सुहाग की निशानी नष्ट होने से बच गई। देखना कहीं मेरी बलि देने की प्रतिज्ञा मत लेना। अरे ये क्या बोल रहे हो तुम, ना मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती अब। अरे तुम्हें कोई शक है क्या? तो फिर सर पे ऐसे नारियल फेंक के क्यों मारा? वो आपको मारने के लिए थोड़ी ना था, वो तो बेटे को मारने के लिए था, पर लग गई आपको। अरे सर्वनाश, बेटा अगर मर जाता तो? मेरा तब दिमाग गर्म हो गया था, चूल्हे के आगे खाना बनाते बनाते शायद। तुम्हें मही को बोला है कि मेरे मुंह में झार है? क्या उसने इतनी बड़ी बात कह दी? कहाँ गया वो बंदर? मही, ए मही, ए मही। अरे अरे उतावली मत हो, उतावली मत हो, वेदराज ने तुम्हें उतावला होने से मना किया है। भैया ये रहा संदेश मिठाई। मैं सिंगी मछली का झोल नहीं खाऊंगा, तुम्हारे हाथों से बनी हुई पोना मछली की करी खाऊंगा। हे भगवान जिद मत करो, सुना नहीं वैद्यराज ने क्या कहा? ठीक है आज झोल और चावल खा लो, मैं वादा करती हूँ कल तुम्हें मैं करी खिलाकर ही राज्यसभा में भेजूंगी, तुम्हारा शरीर अभी बहुत कमजोर है, लो संदेश खा लो, लो जल्दी खा लो। पहले तुम खाओ। नहीं तुम खाओ। नहीं तुम खाओ, खा लो, जाओ तुम भी ना। दुर्गा दुर्गा सुनो, मैं जा रहा हूँ। जा रहा हूँ नहीं कहते, बोलो आता हूँ। मेरी बीवी की हर जगह नजर है, मेरी दुष्ट बीवी, मेरी सोना बेबी। भाभी मैंने सब देख लिया। हे भगवान, देख लिया तो क्या हुआ, मैं तो अपनी बीवी के साथ ये कर रहा हूँ, दूसरे की बीवी के साथ थोड़ी ना कर रहा हूँ। ये तो बस सावधानी से जाना और जल्दी आ जाना। दुर्गा 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 दुर्गा, बिगाड़ दिया ना भैया का मिजाज,
वो गुस्सा गुस्सा नहीं है भाभी, ये तो थोड़ा सा नखरा है। देखिएगा, राजसभा से लौटते हुए भैया बड़ा रेहू मछली लेकर आएंगे। क्यों? अरे वाह, रात को भैया ने नहीं कहा था कि रात को वो रोहू मछली का तीखा करी खाएंगे? ओह, तुम भी हद करती हो बताशी। लो चलो, अभी दुनिया भर का काम पड़ा है, फटाफट करते हैं। हाँ, चलो भाभी चलो। परम प्रतापी, परम दयालु, सुविचारक महाराज कृष्णचंद्र राजसभा में प्रवेश कर रहे हैं। जय महाराज कृष्णचंद्र की जय। 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 ये क्या, आज भी गोपाल नहीं आया? ज्यादा खा खा के पेट मोटा हो गया है ना, थोड़ा पतला होने दीजिए, फिर देखिएगा, फिर चबाचब अपने आप आ जाएगा। वो देखिए महाराज, कौन आ रहा है? गोपाल, ये क्या हाल है तुम्हारा? ऐसी दशा तुम्हारी किसने की है? महाराज, आप बहुत नादान हैं। क्यों? महाराज, गोपाल अब वो सीधा गोपाल नहीं है, कुछ ज्यादा ही रंगीला हो गया है। देखिए, किसी औरत का वस्त्र हरण करने पर इसे मार पड़ी है। किससे माल पड़ी है गोपाल? चाकू से या डंडे से? माला से। ये क्या, इतना बड़ा? बड़ा आश्चर्यजनक है ये तो गोपाल भाई। इसमें आश्चर्य की क्या बात है भाई, स्वर्ग से इंद्रा के हाथ से गिरे हुए भाले से अगर दशरथ की माँ इंद्रमती मर सकती है, तो फिर मेरे माथे पर माला गिरने से मेरा सर क्यों नहीं फट सकता है भाई? वो माला किस चीज की बनी है और उसे फेंका किसने? महाराज, माला है नारियल की और फेंका मेरी पत्नी ने। ठीक है ठीक है ठीक है, वो सब तुम लोगों का व्यक्तिगत मामला है, हम अपनी नाक ना घुसाएं वही ठीक है। तुम जाकर अपना आसन ग्रहण करो गोपाल। जो आ गया महाराज। महाराज, मुर्शिदाबाद से सुल्तान का दूत आया है। ठीक है, उन्हें यहां ले आओ। जो आ गया महाराज। क्या बात है महाराज, अचानक से नवाब बहादुर के दूत का आगमन? लगता है दिल्ली के शहंशाह फिर से किसी युद्ध अभियान पर निकल रहे होंगे, उसी मामले में अर्थ संग्रह करने आए होंगे शायद, तभी शायद नवाब बहादुर के दूत का आगमन हुआ है। बंदगी महाराज। तो दूत, मुर्शिदाबाद की क्या खबर, नवाब बहादुर कैसे हैं? मुर्शिदाबाद का हाल चाल बहुत अच्छा है महाराज, सुख संपत्ति चारों तरफ, सिर्फ शांति ही शांति, चारों डकैती अत्याचार अनाचार लगभग खत्म हो ही गया है, और इसीलिए अशांत का नाम तक नहीं है यहाँ पर, तबीयत बिल्कुल अच्छी है, और इसलिए उन्होंने आपको ये पत्र भेजा है। देखिए, ये रहा वो पत्र, जरा दिखाओ। इनको अतिथिशाला में ले जाओ, और हाँ, देखना इनकी खातिरदारी में कोई कमी ना हो। उस मामले में आप निश्चिंत रहे महाराज, है ना, आइए। बंदगी सुल्तान बहादुर। क्या खबर है दूत? महाराज कृष्णचंद्र ने आपके पत्र के जवाब में ये पत्र आपको भेजा है। महामंत्री, तो जाने का आयोजन करो और जाने का दिन निश्चिंत करके नदिया के राजा श्री कृष्णचंद्र को पत्र द्वारा खबर भिजवा दो। जो हुकुम जहां पना। बंदगी नवाब बहादुर। अरे, नदियों के राजा महाराज कृष्णचंद्र स्वयं, क्या नसीब है मेरा। आइए आइए, अंदर आइए महाराज। आते हुए रास्ते में नवाब बहादुर को कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? तकलीफ? नहीं नहीं नहीं, नहीं। तकलीफ कैसी, चौड़ा राजपथ, घने वृक्ष, देखा जाए तो मुर्शिदाबाद से कई गुना बेहतर है आपका ये नदिया राज्य। और राजा, ये दोनों कौन है? ये दोनों अब मेरे मंत्री है, ये होबूचंद। अस्सलाम नवाब बहादुर। और ये गोगुचंद। अस्सलाम नवाब बहादुर। सलाम मालिक। मालिक, पहले अतिथियों के लिए ये जरा कुछ हाँ, पात्र इधर रख दो,
लीजिए, कुछ सूखे फल हैं, दूसरे देश से लाया हूँ, खा कर देखिए। अरे सुल्तान बाबू, मेरा एक निवेदन था। बोलो, क्या निवेदन है? सुना है आप मीट खाना बहुत पसंद करते हैं, इसीलिए आपके लिए देसी मुर्गा, बकरा और बाहर काम रूप से तंदुरुस्त भेड़ों का इंतजाम किया है। आप कृपा करके ये नजराना कबूल करें तो। जरूर जरूर जरूर, तो मैं चलता हूँ महाराज। महामंत्री, सेवा बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। हाँ जहापना, सच में बहुत मनोरम है यहाँ की हर चीज, हवाएं सब मनोरम है, सच में मनोरम। लो 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 लो, खालो 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 खालो। समझे महामंत्री जी। अच्छा ही है, नदिया राज में दो वक्त मछली मीट एकदम इलाही इंतजाम है, बहुत मजेदार। मैं वो बात समझने की कोशिश नहीं कर रहा। तो फिर ये जो सामने सांड है, ये कैसा दिख रहा है? जीव से कुछ गिर नहीं रहा है क्या? आप भी क्या कहते हैं सुल्तान बहादुर, ऐसा गोरा चिट्टा मोटा सांड इसे देखकर कैसे जीव से लार नहीं टपकेगा। कितने दिन वो भेड़ बकरी रुई कतला खाता रहूंगा, आज रात को जरा स्वाद बदला जाए, क्या कहते हो द्वारपाल? हुकुम का। वो पेड़ के नीचे सफेद सुंदर हट्टा कट्टा सांड देख रहे हो? हाँ बताओ। बिल्कुल आका, बिल्कुल। पकड़ कर ले आओ, इसे खाया जाएगा। जो हुकुम। ले लो लो, खाओ खाओ बाबा, खाओ ना खाओ, लो लो खाओ। आए, 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 चल 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 चल। अरे सिपाही भाई साहब, इसको कहाँ लेकर जा रहे हो? सुल्तान के पास। क्यों? आज सुल्तान इसका गदगद करके मीट खाएंगे। अरे नहीं 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 नहीं, छोड़ो छोड़ो, ये हमारे महाराज के वरिष्ठ स्वर का सांड है। ए, ए, चल, हट जा, हट, 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 हट। ये क्या, वरिष्ठ स्वर के सांड को नवाब बहादुर, अब क्या होगा कुलगुरु? महाराज, इसका फल तो बहुत ही भयानक है, विशिष्ट स्वर के सांड की अगर हत्या की जाए तब आपके उस अपराधी पुरुष को नर्क में जाना पड़ेगा। हाँ, सिर्फ वही नहीं, हिंदू नगर में गौ हत्या के नाम पर भगवान भी कुपित होंगे और फिर हमारे इस नगर को भगवान शापित भी कर देंगे। तो फिर आप सब दया करके इस समस्या का कोई समाधान करें। सुल्तान के पास से उस सांड को छीन कर ले आइए। आपकी बात सुनकर काम करने से असफल तो होगा ही, उल्टा राजद्रोहिता की दोषी पाकर आपको और मुझे मृत्युदंड ना मिल जाए। क्यों, मुझे मृत्युदंड क्यों मिलेगा? वाह, बुद्धि तो आपकी बहुत ज्यादा है ना। महाराज, मुझे दायित्व दीजिए ना, देखिएगा कैसे सांप भी मार दूंगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। हर जगह आपके नुस्खे नहीं चलेंगे। वो ठहरे सुल्तान, उनके साथ कोई नुस्खा नहीं चलेगा, देखना तुम्हारा सर तो कटेगा ही, साथ साथ कहीं हम भी ना फंस जाएं। महाराज, गोपाल ने इस राज्य को बहुत बार बहुत से बाधाओं से बचाया है, मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार भी वो हमारे नगर को एक बार फिर से बाधा से बचा लेगा। ठीक है, अगर सलाहकार ये कह रहे हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, देखो फिर क्या किया जा सकता है। महाराज, आप मुझे एक चिट्ठी तैयार करवा दीजिए जिसका मूल विषय होगा कि आप राजकाज में व्यस्त हैं, इसलिए सुल्तान बहादुर की खोज खबर लेने आप मुझे भेज रहे हैं, सही ना? ठीक है, वही होगा। सोनाहारी। हारी नहीं सुल्तान बहादुर, भाड़, गोपाल भाड़, महाराज का विदुषक। हाँ हाँ, गोपाल भाड़, महाराज के विदुषक। हाँ। सुनो, महाराज को बोलो कि मैं यहाँ बहुत मजे में हूँ, यहाँ के वातावरण और खाने के कारण मैं अपने शरीर में दोगुना बल महसूस कर रहा हूँ, इसलिए मेरी यहाँ कुछ दिन और रहने की इच्छा है। बहुत अच्छे सुल्तान बहादुर, रहिए ना, इससे हम नदियावासी और साथ में महाराज तक बहुत आनंदित होंगे। अच्छा सुल्तान बहादुर, ये सांड कहाँ से आया? हाँ, मुझे इस सांड को खाने की बहुत इच्छा हुई है, इसलिए बांध के रखा है, शाम को मार दूंगा इसे। जहाँ पना, एक काम बहुत अच्छा किया है,
बहुत दिनों से हो रहे एक उत्पात से हम सब मुक्ति पा जाएंगे। उत्पात? उत्पात नहीं है सुल्तान बहादुर, ऐसा बदतमीज सांड मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा है। इसका प्रधान खाना है इंसान का मल और प्रधान पेय है इंसान का मूत्र। अब मैं क्या कहूँ, इसके चक्कर में हमारा बाहर खेतों में मल मूत्र करना दुभर हो गया है। ये तो मल मूत्र में लोट पोट जाता है। ऊपर से ये महाराज का विशद स्वर का सांड है, इसके साथ कुछ करते ही महाराज की नजरों में आ जाओगे। अब आप मार डालोगे तो इस सांड को मारना तो दूर, मैं तो उसको अपने पास भी नहीं रखूंगा। द्वारपाल, जो हुकुम मेरे आका। सांड को अभी इसी मुहूर्त में लाठी मारकर दूर करो। जो हुकुम आका। आज मैं आपकी वजह से मैं इस सांड का मीट खाकर बीमार पड़ने से बच गया। ये लीजिए आपका पुरस्कार। सच गोपाल सच, तुम महान हो। तुमने इस सांड को बचाकर सिर्फ मेरे 14 वंशज को ही भगवान की कोप दृष्टि से नहीं बचाया है, बल्कि सारे नदियों वासियों को भी उद्धार किया है। सच में तुम महान हो गोपाल। ये लो तुम्हारा पुरस्कार। सभी भगवान की दया है महाराज।